लिए लाया हूँ एक मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेली। हमें उम्मीद है आपको हमारी यह पहेली जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार पोपटलाल को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं। पोपटलाल उनकी खूब आदर सम्मान करता है। पोपटलाल कहता है, आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। पोपटलाल पानी लेने के लिए चला जाता है। पोपटलाल पानी लेकर आ जाता है, सबको खूब आदर सम्मान से पानी पिलाता है। पोपटलाल का आदर सम्मान देखकर लड़की वाले बहुत खुश होते हैं। लड़की वाले पोपटलाल से बात करने के लिए अपनी लड़की को पोपटलाल के साथ बाहर भेजते हैं। पोपटलाल और लड़की बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। दो लोग आपस में बात करते हैं। दोनों लोग करीबन 30 मिनट तक बात करते हैं। बात करने के बाद लड़की को पोपटलाल पसंद आ जाता है। उसके बाद वो लोग घर पर चले जाते हैं। लड़की अपने मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे लड़का पसंद है। उसके मम्मी पापा को भी पोपटलाल पसंद था, इसलिए लड़की के मम्मी पापा अपनी बेटी की शादी पोपटलाल से तय कर देते हैं। उसके बाद पोपटलाल के घर से चले जाते हैं। पोपटलाल बहुत खुश होता है कि उसकी शादी होने वाली है। पोपटलाल शाम के 4 बजे अपने दोस्तों के घर पर जाता है। पोपटलाल पहले भीड़े के घर पर जाता है। पोपटलाल जब भीड़े के घर पर पहुंचता है तो देखता है भीड़े के घर लायक नहीं है। पोपटलाल भीड़े से पूछता है, भाई भीड़े, तुम्हारे घर पर लाइट क्यों नहीं है? भीड़े कहता है, लाइट का कुछ दिक्कत है इसलिए लाइट नहीं है। फिर भीड़े कहता है, 3 घंटे में लाइट आ जाएगा। पोपटलाल भीड़े से कहता है, भाई भीड़े, मेरी एक लड़की से शादी तय हो गई है। भीड़े भाई बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही पोपटलाल सभी के घरों पर जाकर सबको बता देता है कि मेरी शादी होने वाली है। पोपटलाल सबको बताकर अपने घर पर आराम कर रहा था। करीबन आधे घंटे के बाद लड़की के पापा आते हैं। लड़की के पापा पोपटलाल से कहते, मुझे ये शादी नहीं करवाना है। पोपटलाल कहता है, क्यों नहीं करवाना है? लड़की के पापा कहते हैं, तुम्हारा कोई एक दोस्त मुझसे कह रहा था पोपटलाल सही लड़का नहीं है। पोपटलाल पूछता है, कौन था वो? लड़की के पापा कहते हैं, मैं उनको नहीं जानता। फिर पोपटलाल कहता है, कितने बजे गया था? लड़की के पापा कहते हैं, करीबन शाम के 5 बज रहे थे। ये सब बताने के बाद लड़की के पापा पोपटलाल के घर से चले जाते हैं। पोपटलाल भी अपने घर से तुरंत गोकुल धाम सोसाइटी में जाता है। पोपटलाल सबको गोकुल धाम सोसाइटी में बुलाता है। जब सब लोग आ जाते हैं तो पोपटलाल सबसे पूछता है, शाम को 5 बजे सब लोग क्या कर रहे थे? जेठालाल कहता है, मैं तो शाम के 5 बजे बाजार गया था। सोरी कहता है, मैं तो हॉस्पिटल पर दवा लेने के लिए गया था। भीड़े मास्टर कहते हैं, मैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था। हाथी भाई कहते हैं, मैं तो नाश्ता करने गया था। मेहता साहब कहते हैं, मैं तो अपने ऑफिस पर था। अय्यर कहते हैं, मैं और बबीता बाहर घूमने के लिए गए थे। ये सब सुनते ही पोपटलाल जान जाता है कौन उसकी बुराई किया है। क्या आप बता सकते हैं कौन पोपटलाल का बुराई करके आया था? आपको जवाब देने के लिए मिलते हैं 20 सेकंड का समय। सोचो और जवाब को जल्दी से कमेंट करो। पोपटलाल की बुराई भीड़े मास्टर ने की थी, पर कैसे, चलिए जान लेते हैं। पोपटलाल जब भीड़े के घर पर गया था तो भीड़े के घर पर लाइट नहीं थी। और जब पोपटलाल ने भीड़े से पूछा 5 बजे क्या कर रहे थे, तब भीड़े ने कहा था कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था। पर भीड़े के घर पर लाइट ही नहीं था। भीड़े मास्टर ने झूठ बोला कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था। भीड़े ने ही पोपटलाल की बुराई किया था।
दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये पहेली? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी मनोरंजन जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई पहेली के साथ, तब तक के लिए बाय।